अच्छा आज हमने पढ़ा थर्ड कंडीशनल्स। जो थर्ड कंडीशनल्स है वो क्या है जी? ये डिस्क्राइब समथिंग इन द पास्ट व्हिच डिड नॉट हैपन। माजी में किसी ऐसी चीज को बयान करते हैं जो वाकई नहीं हुई होती, ठीक है। द कंडीशन यूजेस पास्ट परफेक्ट, जो कंडीशनल क्लॉज है, जो शर्तिया क्लॉज है जिसको हम इफ क्लॉज कहते हैं, ठीक है, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, v3 से बराबर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो आपका रिजल्ट क्लॉज है या जिसको हम रिवार्ड क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, उसमें मॉडल वर्ब आ जाते हैं और प्लस है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाते हैं। तो दो क्लॉजेस में ये थर्ड कंडीशन आता है, जैसे पहले भी होते हैं। अच्छा, उर्दू में इसकी पहचान ये है कि अगर मैं वहां गया होता तो इससे मिल चुका होता, ना तो आप गए ना आप मिले, ठीक है, कोई ऐसी बात हुई नहीं माजी में। लेकिन आप ये उसमें आ जाता है कि अगर मैं वहां गया होता तो उससे मिल चुका होता, ये हमारी जो है वो जैसे हम काश के मानों में कहते हैं। इफ यू हैड वर्क हार्डर, अगर तुमने मेहनत की होती, इफ यू हैड वो इफ क्लास में क्या आ गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्क थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, वर्क हार्डर, यू वुड हैव पास्ट, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, वही बात है जो ऊपर हमने बताई, ठीक है, तो तुम पास हो चुके होते, ठीक है, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो चुके होते, ठीक है जी। इफ आई हैड नॉट ईटन, सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, इफ आई हैड नॉट ईटन सो मच, अगर मैंने इतना ज्यादा ना खाया होता, आई वुड नॉट हैव फेल्ट सिक, ठीक है, तो मैंने अपने आप को बीमार महसूस ना किया होता, या आई वुड नॉट हैव बिकम फैट, तो मैं मोटा ना हुआ होता। एनीवे जी, अच्छा जी, वी कैन आल्सो यूज मॉडल्स इन द रिजल्ट इंस्टेड ऑफ वुड टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, परमिशन और रिकमेंडेशन अबाउट आउटकम और रिजल्ट। अच्छा, मॉडल को हम रिजल्ट क्लॉज में भी कहते हैं कि इस्तेमाल कर सकते हैं वुड की जगह पे, ताकि हम कोई सर्टेनिटी वगैरह, परमिशन या कोई रिकमेंडेशन वगैरह जो है वो, या रिजल्ट के बारे में हम बता सकें, ठीक है। तो कहते हैं कि वी माइट बाय अ लार्जर हाउस इफ वी हैड मनी। अच्छा, वहां पे वुड के साथ वुड की जगह पे माइट आ गया, ठीक है, इफ वी माइट बाय अ लार्जर हाउस, अगर हमने बड़ा घर खरीदा होता, we might buy a larger house, हम बड़ा घर खरीदते, if we had more money, अगर हमारे पास कोई और मजीद रकम होती, ठीक है, he could go to the concert if you gave him your ticket, if you had given him your ticket, ये थोड़ी सी यहां पे राइटिंग नहीं हुई है, he could go to the concert, वो concert चला गया होता अगर तुमने उसे टिकट दिया होता, ठीक है जी। तो यहां पे हमारे पास जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें हम माइट और कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड हैव और की जगह पर और थर्ड फॉर्म की जगह पर, ये वो कहने का उसका मकसद है, ये वो कहना चाहता है। और मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई मसला है, समझ नहीं आया, या कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और जो बच्चे मेरे साथ अटैच हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो बेहतर यह कि आप लोग इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।